ओए जग्गा, अपने नारियल पेड़ से तू मेरे लिए 8 नारियल लेकर आएगा क्या? लेकिन नारियल को तो मैं बाजार में बेचता हूँ। अरे छोड़, वो सब बाजार में बेचकर क्या करेगा रे? बेहतर होगा तुम मुझे दे दे, बहुत फायदा होगा तेरा। पर कैसे? सुन, ये सारे नारियल मैं अपनी जमीन में गाड़ूंगा, गाड़ने के बाद पेड़ निकलेंगे, फिर फल आएंगे, तो मैं तुझे 10 नारियल वापस दे दूंगा। तब तक नारियल का दाम भी बढ़ जाएगा और फिर तू नारियल बेचेगा तो हम दोनों को बहुत फायदा होगा। 8 नारियल के जगह 10 दोगे? ये तुम क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ना कल ही तुम्हें 8 नारियल ला के दूंगा। इतना हंस क्यों रहे हो? वो छोड़ो, तुम बताओ। अभी सुनकर आ रहा हूँ, महाराज ने घोषणा की है, शरद पूर्णिमा वाले दिन राजकुमारी का स्वयंवर है, शादी बहुत ही धूमधाम से करेंगे। वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ चाचा। अच्छा चाचा जी, ये स्वयंवर क्या होता है बताइए तो। अरे बेटा, तुझे नहीं पता क्या? अरे स्वयंवर शादी करने का एक तरीका है, इसमें अलग अलग देश के राजा और राजकुमार आते हैं और एक एक करके अपनी कला और कौशल दिखाते हैं, और जिसकी कला कौशल राजकुमारी को पसंद आती है, राजकुमारी उसी से शादी करती है। अगर मैं भी वहाँ पर जा पाता तो मैं भी राजकुमारी के साथ शादी कर पाता। तुम कैसे जाओगे? कोई कला कौशल तो है नहीं तुम में? क्यों, मैं भी तो गाना गा लेता हूँ। सही है सही है, तुम तो गाना गाते हो है ना? ये तो बहुत ही अच्छी कला है तुम्हारी। क्या आप लोग मेरा गाना सुनेंगे? सुनाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तू गाना गाएगा तो हम बेहोश हो जाएंगे। उससे अच्छा एक काम कर, कल सुबह राजमहल के पास जो ऊंची पहाड़ी है उस पर चढ़ जाना और गाना गाना और चिल्ला चिल्ला कर गाना, इससे राजा और राजकुमारी दोनों बहुत खुश हो जाएंगे तुझसे। हाँ, और खुशी के मारे मेरे साथ राजकुमारी की शादी करा देंगे। हाँ हाँ, जरूर कराएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो मैं कल सुबह ही जाता हूँ। कौन चिल्ला रहा है? सिपाहियों सिपाहियों, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो सुबह सुबह मेरे महल के सामने आकर चिल्ला रहा है और मेरी नींद खराब कर रहा है? पकड़ लो उसे। देखिए ना महाराज जी, आपके सिपाही मुझे बांध कर यहाँ पर ले आए। मैं इन्हें कितनी देर से कह रहा हूँ कि कुछ दिनों बाद मैं आपका जमाई बनने वाला हूँ, पर ये लोग सुन ही नहीं रहे। क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत? एक तो सुबह सुबह चिल्लाकर तुमने मेरी नींद खराब कर दी, इसके बाद मेरा जमाई बनने की बात कर रहे हो तुम? पर क्यों? आपने ही तो दूध को मुझे लाने के लिए भेजा था, आपको मेरा गाना अच्छा नहीं लगा? गाना अच्छा लगा? ए, ये क्या गाना है? सैनिकों, इसे बंदी बना के कारागार में डालोगे तो वहाँ भी गाना गाएगा। इसे यहाँ से दूर ले जाओ यहाँ से। अगर कभी मेरे राज्य पर इसकी छाया भी पड़ी तो तुम लोग इसकी गर्दन काट देना। लेकिन महाराज, अब अपने घर को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा बताइए तो। सैनिकों, इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ और मेरे राज्य से बाहर कर दो इसे। महाराज महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज। क्या हुआ जग्गा,
कहाँ जा रहा है तू? महाराज ने मुझे गांव छोड़ने का हुक्म दिया है। क्या बात कर रहा है? क्यों? क्योंकि मैं बहुत बुरा गाता हूँ। आप सब लोग तो जानते थे, लेकिन फिर भी आपने मुझे महाराज के आगे गाना गाने के लिए भेज दिया, और मेरा गाना सुनते ही महाराज ने मुझे गांव छोड़ने के लिए कह दिया। क्या बात कर रहा है? इतना अच्छा गाता है तू, तेरा गाना राजा जी को पसंद नहीं आया, अपनी लड़की की शादी भी नहीं कराई। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर इस गांव में मेरा साया भी दिख गया तो वो मुझे मृत्यु दंड देंगे। ये तो गुस्से में बोल दिया होगा। राजकुमारी से शादी करनी है तो इतना डरेगा तो कैसे चलेगा बताना? हाथी की पीठ पर बैठकर शादी करने जा, फिर देखना, महाराज खुश होके तेरी शादी करवा देंगे राजकुमारी के साथ। सच में? सच नहीं तो और क्या। देखो, महाराज के यहाँ घोड़े तो हैं, लेकिन एक भी हाथी नहीं है, इसलिए वो हाथी देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। क्या सच में? तो ठीक है फिर, ठीक है, मैं एक हाथी ढूंढ कर लाता हूँ। उसके बाद से मैं हाथी ढूंढता ही जा रहा हूँ, पर कहीं भी नहीं मिल रहा। बंटी भैया, ये बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है हमें इनकी मदद करनी चाहिए। चलो जग्गा भैया के लिए एक हाथी ढूंढते हैं। चलो मेरे साथ जंगल में चलो। चलो जग्गा भैया, हम सब लोग आपके लिए हाथी ढूंढेंगे। सच में? हाँ सच में, आप एक बहुत अच्छे इंसान है जग्गा भैया, अच्छे लोगों की हमेशा मदद करते हैं हम लोग। चलिए बंटी भैया, आप मेरे साथ आओ और इन सबको यहीं रुकने के लिए बोलो। तुम सब लोग जग्गा भैया के साथ यहीं पर रुकना, हम लोग अभी आते हैं वापस। हाँ, आप जाओ, मेरा मतलब आप जाओ, हम यहीं रुकते हैं। अकड़म बकड़म मकड़म मैजिक, मैजिक बोलो। हाथी भाई, हाथी भाई, तुम सुन रहे हो? हाथी भाई, हाथी भाई, तुम सुन रहे हो? हाथी भाई, हाथी भाई, तुम सुन रहे हो? वो देखो, वो सुन रहे हैं। ओ हाथी भाई, मैं हूँ भूतू, भूतू। एक बार मेरे पास आओ तो प्लीज, एक बार मेरे पास आ जाओ जल्दी से। ये देखो आ गए। दोस्त बहुत मुसीबत में है, अगर हाथी की पीठ पर नहीं गया तो उसकी शादी राजकुमारी से नहीं होगी। तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मेरे प्यारे हाथी, प्लीज तुम उसे अपनी पीठ पर बिठा लो। प्लीज प्लीज प्लीज, तुम मेरे दोस्त की मदद नहीं करोगे हाथी भाई?